इलाफ ई मीडिया मोस्ट ट्रस्टेड चैनल। अगर नहीं निकालेंगे तो हम उनको पेनल्टी डालेंगे, फिर ऊपर से जो है वापस भी नहीं देंगे, सामान भी नहीं वापस देंगे उनका। मैं फहीम, इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। बीदर सीएमसी को अचानक ये याद आया कि फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है, इसलिए सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी और फुटपाथ पर से दुकानदारों के सामान और शेड को हटाने का काम शुरू करके वार्निंग भी दी कि अगर फुटपाथ पर सामान रखा तो चालान डाला जाएगा। आज सुबह से कर्नाटक बीदर के अंदरूनी शहर में बल्दियाती अहकाम के मुताबिक दुकानदारों को अपना सामान फुटपाथ की जगह पर रखने वालों को वार्निंग दी और गैर जरूरी तौर पर फुटपाथ पर रखने वाले दुकानदारों का सामान हटाया गया। महकमा ने कहा कि कोई भी दुकानदार अपना सामान फुटपाथ पर रखेगा तो उन पर चालान दिया जाएगा। कारोबारी दुकानदार ऐसा करने की वजह से फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक का निजाम भी दिरहम बरहम हो रहा है और हर दुकानदार को सीएमसी से लाइसेंस भी बना लेने को कहा। इसी तरह बल्दियाती महकमा को चाहिए कि शहर की सफाई भी करवाई जाए ताकि आवाम को गंदगी से छुटकारा मिल सके। बीदर से मोहम्मद आजम खान की रिपोर्ट। Sponsored by The Times Watch and Mobiles, opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. AK Refrigeration and Air Condition, Madipatnam, Hyderabad. Agra Footwear Collection, Market Area Main Road, Bidar. Hope Chest Hospital, Nandi Colony, Bidar. AK Enterprises and Home Appliances, AK Villa Complex, Dargahpura, Bidar. And Safa Multi Speciality Hospital, addressed near Rex Bar and Restaurant, DCC Bank Road, Bidar.